हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम आपकी जोडियक साइन के लिए 2023 की प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। इट मीन्स इस रीडिंग में आपको अपना जोडियक साइन देखना है और फिर हम देखेंगे कि 2023 का साल आपके लिए कैसा होने वाला है। इस साल में आप क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे, क्या इवेंट्स आपके साथ होंगे, कौन सी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी एंड क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम डेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे सो देट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिल सके। सो यहाँ पर चार ग्रुप्स हैं और आपको देखना है कि आपका जोडियक साइन किस वाले ग्रुप में है। आप अपने सन मून राइजिंग साइन से इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप है और साइंस के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अगर आपकी जोडियक साइन यहाँ पर है फर्स्ट ग्रुप में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सी जोडियक साइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ साइंस के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन नंबर 2 है फायर साइंस के लिए एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे साइन है देन आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। थर्ड ग्रुप है वाटर साइन के लिए कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड फोर्थ ग्रुप है एयर साइंस के लिए जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। सो आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है देन डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर देखे कि आपकी जोडियक साइन कौन से वाले ग्रुप में है। आई होप सो आपने अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, अगर आपकी साइन यहाँ पर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग आपकी है और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसा होने वाला है, ठीक है। आपके करियर के लिए भी देखेंगे, आपके लव लाइफ के लिए भी देखेंगे और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आने वाले, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो चलिए देखते हैं और साइंस आपके लिए कैसा होगा साल 2023, क्या इवेंट, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ होंगी इस साल में, कैसा रहेगा आपका लाइफ। ओके, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है अ सरप्राइज इज ऑन द होराइजन, एक्सपेक्ट अ नाइस सरप्राइज। Distraction, control your thoughts and action to help you stay focused. Okay. So option number 1 और साइंस मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने वाले, कोई ब्यूटीफुल सरप्राइज आपके लिए हो सकता है इस साल। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सारा गिफ्ट मिले या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ खुशियाँ, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करके रखा है। मैसेज है यहाँ पर अ सरप्राइज इज ऑन द होराइजन, तो हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं इस साल में। सो इस साल मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। हो सकता है आपको पता भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे सरप्राइज है, तो हो सकता है इस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है। ये गुड न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों को किसी तरह का जॉब लगना, वो हम आगे देखेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है और साइंस दैट एक ब्यूटीफुल सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है इस साल, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ नाइस सरप्राइज, यहाँ पे नाइस है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ब्यूटीफुल जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है, ठीक है। तो इस साल एंजल्स आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है इस साल। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आपके लिए आया है, कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शन टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड। आपको कहा जा रहा है कि इस साल अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो आपको मिले, ठीक है, देन डेफिनेटली आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, अपनी एनर्जीज को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हो उसको पूरी लगन के साथ पूरा करें, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हो सकता है आपका कुछ गोल है बट आप उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, इधर उधर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो घूमने में फिरने में, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सपने आप बना रहे हो तो डेफिनेटली उसके लिए जो वर्क करना है, उसके लिए जो प्लानिंग है, उसके लिए सही एक्शन वो आपको लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है। हो सकता है आप अपना समय
कहीं ऐसे जगह पे दे रहे हो, अपने एफर्ट्स को कहीं ऐसे जगह पे दे रहे हो जहां पर आपको नहीं देना चाहिए और आपका सारा ध्यान आपके काम पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टे फोकस्ड का मैसेज है। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि आपके लाइफ में क्या ऐसा है जिसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हो बट आपको देना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है दैट कंट्रोल योर थॉट एंड एक्शन, अपने एक्शन और थॉट को एक बार देख ले और फोकस्ड रहे। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स है और यहाँ पर भी फ्लावर्स है, तो हो सकता है इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मिले। ऑल्सो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है दैट आई कैन सी हियर, खुशियाँ मिलना, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स है तो वो खुशियाँ को दिखा रहा है। हो सकता है आपके पास आपके घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप कुछ अचीव करो जिसके चलते आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिल रहे हैं। सो फ्लावर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आगे हमें और क्या पता चल रहा है, क्या एनर्जीज है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए आया है नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग, ब्यूटीफुल। यहाँ पे काऊ का मैसेज है और काऊ काफ़ी शुभ होता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ बताया जा रहा है ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है, काफ़ी ग्रोथ देखने वाले हो, अबंडेंस आ रही है आपके रास्ते, ठीक है। आस्किंग एंड रिसीविंग, हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो रही है, हो सकता है आप कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हो वो विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ द काऊ आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हो और आपके पास मटेरियल अबंडेंस भी होगी और आपकी कोई ना कोई डिज़ायर, कोई विश, कोई खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि इस साल आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, आप अपना ध्यान रखोगे, आपके फूड्स, आपके डाइट बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नरिशमेंट का भी कार्ड है, सो डेफिनेटली आपकी जो डाइट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी जिसके चलते आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सो दीज आर द थिंग्स आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी ऑप्शन नंबर वन, आपका करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है। अभी हम आपके करियर के लिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, 9 नंबर, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है और यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो इस साल आपके करियर में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे वी हैव द हर्मिट कार्ड, ओके। कुछ टाइम आपका ऐसा बीत सकता है जहाँ पर थोड़ा पॉज हो, थोड़ा ब्रेक हो, ठीक है। मान लो अगर आप वर्किंग हो, काम कर रहे हो, तो आपको लग सकता है कि आप ग्रोथ नहीं देख रहे हो। तो शुरुआत के 3 महीने या 4 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आपके काम में थोड़ी ग्रोथ नहीं हो रही है या जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी नहीं हो रही है, एंड थोड़ा आप उसके चलते क्या होगा ना कि आप अपना काम और अच्छे से करने लगोगे और एफर्ट्स आप डालने लगोगे, दैट आई कैन सी हियर। हर्मिट का कार्ड है तो हर्मिट मुझे यहाँ पर ये बता रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कि शुरुआत के कुछ महीने आपके ऐसे बीत सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होंगे वो आपके ऐसे बीतेंगे जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हो या थोड़ा और हार्डवर्क कर रहे हो। थोड़ी सैडनेस भी रह सकती है और सैडनेस इसलिए है क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं है, तो फिर से आपको और मेहनत करना पड़ रहा है और एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं और सीख रहे हो आप। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर यह भी बता रहा है दैट अंदर झांक के देखना है कि आपके अंदर क्या कमी है जिसके चलते वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है आपको। एंड देन यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आता है, ठीक है। दिस पेज इज अ मैसेंजर हियर, ये मैसेंजर है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अचानक से आपके एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर आपके एनर्जीज में थोड़ी सैडनेस है या थोड़ा आप होपलेस हो रहे हो, ठीक है, वहीं आपकी एनर्जीज में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों कार्ड के फेसेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हो सकता है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपके थोड़े से सैडनेस की एनर्जीज में जाएंगे, देन आफ्टर दैट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। हो सकता है आपको कोई ऑफर मिले, कोई आइडिया आए, आपकी एनर्जीज में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ओके। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपको लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप टोटली कॉन्फिडेंटली
वर्क करोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंटली वर्क करोगे। अगर कुछ ऐसे लोग आपके सामने चैलेंज क्रिएट करते भी हैं तो आप अपने काम को इस तरीके से करोगे जहाँ पर आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। और इसको देख के कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लग सकता है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, एंड कुछ लोगों को ये लग सकता है कि आपको उनके उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। बट समवेयर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि आपको कैसे आपकी कैसी ग्रोथ हो रही है, आपको कैसे सक्सेस मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जीज़ है। तो यस, आई कैन सी कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, थोड़ा सा सीखना आपको पड़ सकता है, थोड़े से यहाँ पर स्ट्रगल्स आपके लिए दिख रहे हैं। इवन आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, या आप जॉब की सर्च में हो, या आप कुछ करना चाहते हो, आपके लिए यही एनर्जीज़ है। लाइक स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थोड़े से सीखने में बीत रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, थोड़ी सैडनेस है, बट आफ्टर दैट आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे आप कोई हार्ड, कोई डिफ़िकल्ट कोई एग्ज़ाम्स आप लिखोगे एंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, लाइक सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्टी से होता है। अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो देन डेफिनेटली वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से शॉक मिल सकता है। कुछ लोग सरप्राइज भी हो सकते हैं कि आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, आपको कैसे विक्ट्री मिली उस चीज़ पर जहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती, ठीक है। सो आपके करियर के लिए मैसेजेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी जो लोग मैरिड है आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ओके, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस साल। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। फॉर ऑप्शन नंबर वन आई कैन सी जो लोग मैरिड है और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। एंड चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन 2023 में आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहने वाली है। दोनों कार्ड ही यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो समवेयर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, वो आपसे हैप्पी रहेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक उनको मे बी कुछ आप मैरिड हो और उनको ये लगता है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं और आप फैमिली को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो या इमोशनली आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, देन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस साल आपके पास सभी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। टाइम होने वाला है अपने पार्टनर के लिए, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, आप एक स्टेबल पोजिशन पर होगे जिसके चलते आप अपने पार्टनर को वो सभी चीज़ें ऑफर कर पाओगे जिस जो वो आपसे चाहते हैं, चाहे वो टाइम है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो केयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें दिख रही है। और साइंस लेट्स सी जो हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी रिलेशनशिप में है आपके लिए कैसा रहेगा ये साल। यहाँ पे टेम्परेंस है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ओके, स्टार का कार्ड है, द मून का कार्ड है, ओके। सो आपके लिए दो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस साल आप अपने हीलिंग पे फोकस हो जाओगे, ठीक है। आप अपने लिए ज़्यादा सोचोगे कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं होना है एंड हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ोगे। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो सोच रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, आप टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, उन लोगों के लिए नहीं जो अच्छे रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है दैट आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में रह के, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा उस रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस साल हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करोगे। ऑल्सो जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, पास्ट की वुंड्स, पास्ट की तकलीफें, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। अगर आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हो या कोई ऐसी छोटी सी बात है आपके पर्सन की आपको बुरी लग गई है तो आप उन सभी चीज़ों पे वर्क करोगे, आपकी हीलिंग होगी। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो हमारे व्यूवर्स रिलेशनशिप में है, इस साल आप अपने करियर और रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करके चलने वाले हो, ठीक है।
आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, ओके, इमैच्योरिटी खत्म हो रही है, आपके पार्टनर के साथ आप कॉपरेट करके चल रहे हो, एंड यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दैट कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर से आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे ये हो सकता है जो अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं इस साल इंगेजमेंट करना, शादी करना, तो ये चीज़ें पॉसिबल होगी, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ओके। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है, सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट इस साल आपको आपके पार्टनर से शादी करनी है या कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, देन दैट विल बी पॉसिबल, यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है ऑप्शन नंबर वन आपके लिए। यहाँ पे मूविंग ऑन है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस एंड सैक्रल चक्रा, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पे बॉटम में प्रॉस्पेरिटी बिगेंस है, यूनिवर्स है, होप है, वाओ। सो यस, यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जो लोग किसी तकलीफ में है, किसी चीज़ से तकलीफ में हो, जैसे किसी रिलेशनशिप से हो सकता है तकलीफ में हो, कोई जॉब आपको काफ़ी तकलीफ दे रही है, कोई सिचुएशन जो आपको काफ़ी तकलीफ दे रही है, इस साल आप उस चीज़ से दूर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई सैडनेस की एनर्जी है, मूविंग ऑन का कार्ड है, तो जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उससे आप बाहर निकलोगे, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो जॉब है, ठीक है। एंड यहाँ पे सैक्रल चक्र का कार्ड है और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, तो एक टॉक्सिक पैटर्न आपका खत्म हो रहा है और एक विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहाँ पर आप करना नहीं चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या आपका ड्रीम है कहीं और पर काम करना जहाँ पर आप चाहते हो कि आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाओगे, आप उस तरह से काम कर पाओगे जहाँ जैसे आप करना चाहते हो। डेफिनेटली इस साल आप किसी ऐसे जॉब या काम को भी छोड़ सकते हो और कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, या कोई नई जॉब आपकी लग सकती है जहाँ पर आप मन लगा के काम कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है आपके लिए। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। आपके लिए नवंबर एंड दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आप अगर लगातार मेहनत करते रहते हो, आपको डेफिनेटली इस साल मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और कुछ मेजर आप परचेस कर सकते हो, कोई बड़ा कुछ खरीदना, जैसे गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है। डिफिकल्ट टाइम, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos एज अनफॉर्सिन perils और इमोशनल upheaval आर foretold। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट किसी तरह की chaos, किसी तरह से बहस करना, ठीक है, किसी से बहस करना, उससे आपको बचना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको किसी तरह की बहस में फंसाते हैं या किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, तो उस पर्सन से आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है इस साल। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे क्योस और कंफ्लिक्ट दिख रहा है, लड़ाई झगड़े बहस हो सकती है आपकी, तो जिन लोगों से आपकी नहीं बनती उनसे थोड़ा आपको अच्छे से हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि उनके साथ आप बहस कर रहे हो। सोसाइटी, से यस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल विद द रिजल्ट, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो हमारे सिंगल व्यूअर्स है, आपको अगर किसी भी तरह का इनविटेशन मिलता है किसी पार्टी में या कोई ऐसी गैदरिंग हो रही है जहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और वहाँ पर आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। एंड आपके लिए नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलोगे और वो आपके लिए, अगर आप नेटवर्क बिजनेस करते हो या आपका कोई काम है जहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलना ज़रूरी है, देन आपको सोशल इवेंट्स में जाना चाहिए इस साल, ठीक है, और काफ़ी इन्विटेशन भी आएंगे आपको। यहाँ पे है ट्विस्ट एंड टर्न, केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शन अराउंड यू मेक्स योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट टू कोप अप विद ऑल द अपहीवल। सो इस साल में बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ आपने प्लान किया है उसको आपको बदलना पड़े, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए, अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है, तो उन सभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा या थोड़ी ज़्यादा एनर्जीज लगानी पड़ेगी। हो सकता है कहीं अचानक से ट्रैवल करना पड़े और बहुत सारा यहाँ पे हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा रेस्ट लेने के लिए भी कहा जा रहा है। यू विल सेव मनी, तो इस साल आप पैसे बहुत बचाने वाले हो, ठीक है, पैसे हो सकता है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो या पैसे सेव करोगे।
लिविंग पास्ट बिहाइंड, ठीक है, ब्रोकन रिंग, तो आपकी पास्ट को जो भी चीज़ें तकलीफ देती हैं, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, किसी पर्सन का वेट करते रहो, उनको आप इस साल छोड़ के आगे बढ़ने के लिए रेडी रहोगे। पार्टीज, यस, आप इस साल काफ़ी पार्टी करने वाले हो। वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, हो सकता है आप किसी नए पर्सन का या कोई गिफ्ट या कोई पैकेज का वेट करने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअल लव, ओके, तो आपके लिए कोई नए पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील करोगे, ठीक है। हमारे सिंगल व्यूअर्स, आपके लिए कहा जा रहा है दैट किसी नए पर्सन से मिल सकते हो किसी पार्टी में। अवार्ड्स, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इस साल आपको मिलेंगे उससे आप सक्सेसफुली बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर वन। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके साइन से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे 2023 का साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चीज़ें होंगी एंड क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आप देखोगे इस साल में, हम वो देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइट ऑफ होप, लाइट ऑफ होप, होप गिव्स अस पॉजिटिव फीलिंग्स एंड एनर्जी टू अकम्प्लिश व्हाट वी डिजायर। सो दो कार्ड्स आए हैं, टेक चार्ज, टाइम आउट। आपके लिए पहला कार्ड आया है लाइट ऑफ होप का, आप काफ़ी होपफुल रहने वाले हो, आपके अंदर आशाएं रहेगी, आप निराश नहीं होगे, नेगेटिव फीलिंग्स आपको अपने काबू में नहीं रख पाएगी, ठीक है। जैसे डेफिनेटली नेगेटिव फीलिंग्स तो आएगी ही आएगी, बट इसे आपको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगी, ठीक है, उसके बियॉन्ड भी आप देख पाओगे, उससे बाहर निकल पाओगे और चीज़ों में आप पॉजिटिविटी ढूंढ पाओगे, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा होप होने वाला है, जिसके चलते आप वो सभी चीज़ें कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस साल आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो, यहाँ पर टेक चार्ज का भी कार्ड आया है, तो आप एक्शन के मोड में रहोगे। हो सकता है अपने लिए कोई ऐसा रूटीन सेट करोगे, कुछ गोल्स आप लिख सकते हो कि इस साल आपको करना है, एंड डेफिनेटली अगर आपने नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपकी जो थॉट्स है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, तो आपका जब माइंड अच्छा होगा देन डेफिनेटली वो आपके एक्शंस में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब जब आप दिमाग से, जब आप खुश रहोगे, भीतर से पॉजिटिव रहोगे, जब आपके अंदर से आशा रहेगी कि आप जो करने वाले हो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट नहीं भी मिला तो फिर से आप ट्राई करने के लिए रेडी रहोगे, देन डेफिनेटली ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर टेक चार्ज का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर आपको कोई लीडरशिप की पोजीशन मिल सकती है, अगर आप जॉब करते हो तो होता है आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप पोजीशन में आगे बढ़ सकते हो, एंड यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन है, तो इस साल आप काफ़ी डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है। अपने लाइफ से कुछ ऐसी बुरी चीज़ों को निकालना, जैसे लेजीनेस को हटाना, हार्ड वर्क करना, सुबह उठना, अपने लिए रूटीन सेट करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में जीना, अच्छे तरीके से जीना इस साल आपका रहेगा। यहाँ पे है टाइम आउट, टेक टाइम फॉर अ मच नीडेड ब्रेक एंड रिलैक्स समवेयर। एक तरफ तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, ठीक है, हो सकता है 6 मंथ 7 मंथ आपके जो बीतेंगे वो काफ़ी हार्ड वर्किंग में है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपका टाइम जो है वो बहुत आप बिजी रहने वाले हो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट थोड़ा टाइम आप रिलैक्स करने के लिए भी निकालोगे। हो सकता है आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आप। टेक टाइम फॉर अ मच नीडेड ब्रेक, आप ब्रेक लेके कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों में आपने ब्रेक नहीं लिया है, किसी अच्छे जगह को विजिट नहीं किया है, इस साल आप किसी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो और वहाँ पर जाके आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है आपके लिए फायर साइंस। फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन, यहाँ पे अर्थ फेरी का कार्ड आया है, ओके।
तो समवेयर यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है टेक टाइम फॉर मच नीडेड ब्रेक। इस साल हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हो जिसके चलते आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जा रहे हो, आपको लग रहा है आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आपको टाइम देना है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे उसके लिए। तो यहाँ पर आपको पहले ही मैसेज दे दिया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि इसी काम के बाद आप थक गए हो, आपको रिलैक्स करना है, देन थोड़ा टाइम आप रिलैक्स करने के लिए निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर में भी ध्यान देना है। यहाँ पे ग्राउंडिंग है तो आप अपने लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई हीलिंग म्यूज़िक सुनने की आदत डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से काम में ही डाल दे रहे हो, ठीक है। तो अपने लिए एक डिसिप्लिन, एक रूटीन आप बना सकते हैं और चीज़ों को सही टाइम पे आप करें, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए दिखाई जा रही हैं। सो इस साल आपके लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपका ध्यान काम के ऊपर में है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आपको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर में भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ओके। जहाँ आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है थोड़ा आप रिलैक्स करें। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको आपके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। हो सकता है अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब लग जाए एंड आपका जो रूटीन पिछले साल था वो बदल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना अपने काम अपने करियर में देना पड़ सकता है इस साल, ओके। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है और जो हमारे मैरिड व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, आपकी मैरिज कैसी रहेगी इस साल, लेट्स सी। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड्स। तो जो हमारे मैरिड व्यूवर्स है, फायर साइंस एरिस लियो एंड सजिटेरियस, अगर आप मैरिड हो यहाँ पर आपके लिए दिखाया जा रहा है दैट आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। अपने वाइफ, अगर आपके बच्चे हैं देन डेफिनेटली। यहाँ पर भी एट ऑफ कप्स का कार्ड है तो हो सकता है कि आप करेंटली जहाँ पर हो आप अभी, ठीक है, उस जगह को छोड़ के आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, किसी दूसरे स्टेट कंट्री में आपका जाना हो सकता है। हो सकता है आपने प्लानिंग कर रखी है इस चीज़ के लिए, देन डेफिनेटली आप रिलोकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपकी काम आपकी जॉब वो बदल जाए और देन कहीं और आपको जाके रहना पड़ सकता है। सम ऑफ यू यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है तो हो सकता है आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको कहीं और जाना पड़े, ठीक है, दैट आई कैन सी हियर। फॉर सम ऑफ यू अगर आप खुद वहीं पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, कहीं और बिजनेस करना चाहते हो फाइनेंसिस के लिए, ठीक है, या कोई बड़ा बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है आपको दूसरे कंट्री या स्टेट में, तो उसके लिए भी आप बाहर जा सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी फैमिली पूरी हो रही है, मतलब आपका घर, उसमें आप काफ़ी सारे लोगों को देखोगे। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर आपसे दूर रहते हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं रहने के लिए। यहाँ पे पेट्स है, पूरी फैमिली दिखाई जा रही है, तो आप इस साल अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने वाले हो, ठीक है। आप अपने स्पाउस, अपने बच्चे, आपके पेरेंट्स, आप सभी एक साथ रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हो, ठीक है। सो दैट आई कैन सी हियर। एंड अगर आप कहीं रिलोकेट भी हो रहे हो तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप पूरी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हो, ठीक है। आप अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहे हो, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ जा रहे हो। यस, आपके पेरेंट्स आपको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप पेरेंट्स के साथ ही मूव कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर रिलोकेशन आपके लिए दिख रही है। लेट्स सी अगर आप रिलेशनशिप में हो देन आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, ठीक है। आप मैरिड नहीं हो बट रिलेशनशिप में हो तो फिर कैसी रहेगी 2023 आपके लिए। वाओ, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, सो आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या डेफिनेटली आप खुद एरीज हो, लियो,
मे बी आप किसी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या एरीज या लियो के साथ, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, दैट आई कैन सी हियर। एंड यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आप काफ़ी सैड हो कि आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, ठीक है, या फिर आप इसलिए सैड हो क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, ठीक है, स्टक हो एंड आपकी रिलेशनशिप वहीं पर है, आपके पार्टनर आपके साथ है तो सही, लेकिन आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, आपको ऐसा फील होता है, देन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है कि इस साल में विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा एंड आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए इक्वल एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी तरफ से तो एफर्ट्स थे, आप तो टाइम दे रहे थे, आप अपने पार्टनर को अच्छा फील करवा रहे थे, उनको ये फील कराते थे कि आप उनको प्यार करते हो, बट समवेयर आपके पार्टनर हो सकता है काम में बिजी थे या वो बाहर रहते थे, ठीक है, आपको उनका वेट करना पड़ता था, आप अकेलापन महसूस करते थे, तो इस साल वो चीज़ें खत्म होगी। विद द कार्ड ऑफ एम्परर आपके पर्सन आपको काफ़ी सीरियसली लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको टाइम दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है, ठीक है, आपका जितना एफर्ट्स है उतना ही आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स आने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लाइक ये आपको गिफ्ट देते हैं, समवेयर बोलते हैं लाइक दैट ही और शी लव्स यू, बट आपको नज़र नहीं आता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ये वो ऐसा पर्सन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो पूरा करता है बट मुंह से ये नहीं बोलता, ये रोमांटिक नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसा फील होता है दैट आपके पार्टनर आपको बोल के कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, देन हो सकता है इस साल आपके पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए टू ऑफ सोर्स द चैरियट एंड नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके घर से या तो आपको कोई और पर्सन को दिखाया जा सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके सामने दो ऑप्शंस आ सकते हैं एंड समवेयर ये चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो इस साल आपको ये बोला जा सकता है या फिर आप इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हो कि आपको दो पर्सन या दो ऑप्शंस के बीच में से एक को सेलेक्ट करना है, एक तो ये है जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो और दूसरे कोई और पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं या मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ एंड इस चीज़ में आपको सिलेक्शन करना पड़ सकता है, इस चीज़ में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लग सकती है दैट आप किसी और को पसंद कर रहे हो एंड आपके सामने कोई और पर्सन भी है, ठीक है, जिनसे आपको मिलवाया गया है, तो दिस कैन कॉज सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी और इस चीज़ को लेके आप थोड़े से टेंशन में रह सकते हो, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने घर वालों को मनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट द चैरियट का कार्ड है तो आप अपने डिसीजन पे अड़े रहोगे, ठीक है, आपने जो डिसाइड किया है वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो जो हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ? यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है दैट आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी फ्रेंड के द्वारा आपको किसी से मिलवाया जा सकता है और ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं एंड यस ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी आपको चार्मिंग लगेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है, तो आप इस साल किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिनकी एनर्जीज़ काफ़ी लाइट होगी, आप इस पर्सन की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करोगे, काफ़ी फन लविंग होने वाले ये पर्सन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके लिए मैं देख पा रही हूँ या तो आप फ्रेंड के थ्रू किसी से मिल रहे हो, ठीक है, जैसे फ्रेंड के घर पे गए हो, उनके पार्टी में गए हो, सेलिब्रेशन पे गए हो, वेकेशन पे गए हो उनके साथ, तो वहाँ पर आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री थ्री है, तो हो सकता है कि आप दो फ्रेंड्स और ये कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अगर सिंगल हो, आपके कोई फ्रेंड है तो आपको आपके फ्रेंड के थ्रू किसी से मिलवाया जा सकता है एंड ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर मॉडल हो सकते हैं। इस साल डेफिनेटली आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से मिलने वाले हो जिनकी तरफ आप बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, हीलर हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड कोई हीलर या डॉक्टर है तो उनकी तरफ से आपको मिलवाया जाता है, किसी पर्सन से मिलवाया जा सकता है, ठीक है।
सो दैट आई कैन सी हर. कुछ लोग हो सकता है आप लॉ के फील्ड में हो तो आपको काम की जगह पर भी ये पर्सन मिल सकते हैं. लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है. इस साल आपको क्या मिलेगा, कैसे रहेगा ये साल. ओ माय गॉड, यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है और आई थिंक ये रिपीट हुआ है. रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है. टेक टाइम फॉर अ मच नीडेड ब्रेक एंड रिलैक्स. आपके लिए मैं देख पा रही हूँ इस साल आप रिलैक्स करने में टाइम बिता सकते हो, ठीक है. मतलब हो सकता है कि इस साल आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे, ठीक है, या कुछ ऐसा टाइम मान लो पूरे एक महीने हो या फिर हो सकता है 15 दिनों के लिए आप कहीं पे जा रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो. इस साल आपको अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है. आप इस साल मेडिटेशन करना शुरू करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा. डेफिनेटली इस साल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने देना है. जब भी आपको लगे कि आप बहुत थक चुके हो, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आपको निकालना है जहाँ पर आप अपने आप को टाइम दे सको. बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको ब्रेक की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे दो बार मैसेज आया है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए. यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड आया है, द एम्प्रेस. ओके, तो जो लोग यहाँ पे किसी तरह की हेल्थ इश्यूज से आप बहुत दिनों से परेशान हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है. इस साल आप रिकवर करोगे किसी न किसी हेल्थ इशू से. यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है. ओके, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी वेट अच्छी हो रही है, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है तो डेफिनेटली आप ग्रोथ देखने वाले हो. अगर आप कोई बिजनेस करते हो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है. यहाँ पे हर चक्र के ऊपर में इंडिकेशन है तो डेफिनेटली आपकी इमोशनल, अगर आप किसी तरह से डिप्रेशन या एनजाइटी में हो, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है. यहाँ पर आप हो सकता है आप किसी डॉक्टर या किसी हीलर से भी मिल सकते हो जो आपकी हीलिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे. एंड आपका एक अच्छा रूटीन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसके चलते आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार हो रहा है. हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है. मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज एज अ न्यू लाइफ. यहाँ पे देखो आप लाइफ स्टाइल, लोकेशन ब्रिंग्स. अभी मैंने आपको कहा था ना कि आप किसी नए जगह पे जा सकते हो, न्यू लोकेशन एंड न्यू लाइफस्टाइल, ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एक्सिस्टेंस. वाओ, तो आप इस साल कोई नया लाइफस्टाइल अपना सकते हो और किसी नए जगह पे जा सकते हो. कोई इंपॉर्टेंट मेजर लाइफ चेंज आपके लिए आएगा, ठीक है. ग्रेट जॉय जिसको लेके आप काफ़ी खुश रहोगे एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, तो किसी मुसीबत से दूर आप जाओगे. ओके, तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे कंफर्म है दैट आप किसी नए जगह पे जा सकते हो, न्यू लोकेशन एंड न्यू लाइफस्टाइल आपके लिए दिखाया जा रहा है. पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर आर ऑन द वे. फाइनेंसिस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेटिंग रिच स्कीम्स. आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आपके फाइनेंसिस काफ़ी अच्छे होंगे. आपको हो सकता है छोटी छोटी सक्सेस मिल रही है बट इस साल आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है. ओके, आपके फाइनेंसिस बहुत ही अचानक से अच्छे हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है. एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस को दिखा रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी दिखा रहा है, तो अचानक से आपकी ग्रोथ हो जाएगी, प्रमोशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे सोसाइटी है तो आप किसी जगह पे जा सकते हो, फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हो, इनविटेशन मिल सकता है शादी में जाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो. यहाँ पे साइन है, आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आपको एक साइन ज़रूर मिलेगा इस साल और वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है. डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट आपको कोई डाउट हो सकता है बट उस डाउट से आप निकलोगे. रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, जो भी डाउट है इस साल आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल जाएगा और वो डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी. ओके, यहाँ पे आपके लिए भी आया है यू विल सेव मनी, तो आप पैसे बचाओगे. सी यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी, आपको डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है. अगर आप कंफ्यूज हो किसी बात को लेके क्या करे क्या नहीं करे, देन मेंटल क्लैरिटी. ओ माय गॉड, एंजल्स स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आपको एंजल्स जो है ना इस साल कुछ ना कुछ साइंस देंगे और वो आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ आपको जाना है, क्या आपको करना है. मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो एंजल्स आपको डेफिनेटली यहाँ डायरेक्टली बता रहे हैं दैट वो आपको साइन भेजने वाले हैं, ठीक है. आप वरीड मत रहो, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, किस कन्फ्यूजन में आपको, वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी. एंजल्स विल हेल्प यू, आपके एंजल्स डेफिनेटली आपको गाइड करने वाले हैं.
यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस साल. लव, ओके, लव कैन एंटर योर लाइफ. कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें आप. हीलिंग, मैंने आपको कहा था ना आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, देन डेफिनेटली आप हील्ड फील करोगे, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी. बीमारी अगर है, किस तरह से तकलीफ में हो, उससे बाहर निकलो, उससे आप बाहर निकलोगे सक्सेसफुली. ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, किसी हेल्थ इशू से बाहर निकलोगे, डिप्रेशन एंजाइटी वो आपकी कम हो जाएगी. यू विल बी हील्ड, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है. ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2, एरिस लियो सजिटेरियस. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग. चलिए देखते हैं 2023 का साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा होगा ये साल आपके लिए, क्या चीज़ें होंगी, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप देखोगे, क्या चेंजेस आपके करियर आपके लव लाइफ में आने वाली है, एंड ओवरऑल क्या चीज़ें होंगी, लेट्स सी. वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं, आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, टेक स्मॉल स्टेप टू डिमिनिश योर वरिंग, नो इट इज गोइंग टू बी ओके एंड सो इट इज. मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक, वी यूज योर मिस्टेक्स टू इंस्पायर एंड एम्पावर यू टू फेस ब्राइटर डेज अहेड. बॉटम में आपके लिए मैसेज है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स. ओके, ऑप्शन नंबर 3 कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि या तो आप इस चीज़ के लिए वरीड हो कि आपसे कोई गलती हो गई है पास्ट में, ठीक है, और उस गलती के चलते आप फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में हो कि आपने ये गलती कर दी है एंड फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है. यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी वरीड हो, ठीक है, आपको लग रहा है दैट यू हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक, और उस मिस्टेक की वजह से आप काफ़ी सैड हो. ऑल्सो यहाँ पे वरिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चिंता चल रही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पाएगी. आप बहुत सैडनेस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, लाइक आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी वरीड हो, सिचुएशंस आपको काफ़ी ख़राब लग रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप खुद ब खुद ये अपने आप को बता रहे हो दैट आने वाला जो टाइम है ना वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाला, ठीक है. तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इवन दो आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, आपसे कुछ गलती हुई है, तो वो बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है. इसका मतलब ये कि जो गॉड की प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, और आपकी गलती गॉड के प्लान से बड़ी नहीं है, ठीक है. अगर आपने कुछ गलती की है तो यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं, वो आपको सही रास्ते पे लेके आ जाएंगे, ठीक है. इस साल हो सकता है डेफिनेटली आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया है कि चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं होने वाली हैं, ओके. आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको फॉलो करते रहें, ठीक है. तो सबसे पहली मैसेज आपके लिए यही निकल के आई है कि अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, फियर है, ओवर थिंकिंग है, और कुछ चीज़ों को लेके आप बुरा सोच रहे हो, डेफिनेटली आप उस थॉट्स को बाहर निकालें. एंजल्स आपके साथ है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, एंड जो भी मिस्टेक आपने किया है, ठीक है, वो सभी अच्छी हो जाएंगी, वो सभी रेक्टिफाई कर दी जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है. यहाँ पे है ब्राइटर डेज अहेड, इवन दो यू हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक, बट आपको एंजल्स इंस्पायर कर रहे हैं आपके लाइफ में आगे बढ़ो, वो आपको संभाल लेंगे, ओके. सो इस साल यू विल बी बैलेंस्ड, ओके, आपका ध्यान रखा जा रहा है, एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यू कैन इमेजिन कि ये आप हो, ठीक है, एंड एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं. आप सैड हो, किस चीज़ को लेके टेंशन में हो, देन आपको यहाँ पे भी वही मैसेज है, लाइक हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, रात को आपको नींद नहीं आ रही है और आप बहुत सोच रहे हो सकता है आपके स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है, इमोशनल हो रहे हो, कुछ हो सकता है खो दिया है, उस चीज़ के लिए सैड हो, बट योर एंजल्स आर अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम, आप किस प्रॉब्लम में हो आपके एंजल्स देख रहे हैं, ठीक है. सो आपको अकेला नहीं फील करना है, ठीक है,
अभी और क्या पता चलता है कैसा होगा 2023 का साल आपके ज़ोडियक साइन के लिए। अगर किसी चीज़ के लिए अगर आपको गिल्ट है कि आपसे वो गलती हो गई है, आपने कोई रॉन्ग, आपसे कोई गलती हो गई है, देन डेफिनेटली वो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। लेट्स सी, सी ओ माय गॉड, यहाँ पे फियर का कार्ड है, आप डर में हो, ठीक है। और ये कार्ड गिरा, मैंने निकाला नहीं इसे, ये खुद से गिरा है। आपके एनर्जीज यहाँ पे बार बार दिखाए जा रहे हैं दैट यू आर वरीड, बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे है, वरिंग एंड फियर। व्हाई आर यू सो वरीड, क्यों टेंशन में हो आप इतने, फियर, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली दिखाया जा दैट हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई है एंड आप हो सकता है उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे आपको अश्योर किया जा रहा है दैट ब्राइटर डेज आर अहेड, ठीक है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आपको एंजल्स बोल रहे हैं दैट आने वाला टाइम अच्छा है, यू नीड नॉट वरी, प्योर। तीनों कार्ड्स आपके लिए वैसे ही आए, आपकी एनर्जीज को दिखा रहे हैं। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या आ रहा है इस साल आपके लिए। यहाँ पे डिसेप्शन एंड विजडम है, मैजिक कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट। बॉटम में आपके लिए एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी, इंडिपेंडेंट हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए डिसेप्शन विजडम है एंड फियर का कार्ड है। ओके, आपकी एनर्जीज डेफिनेटली तीनों ऑप्शंस, आपसे पहले मैंने दो और रीडिंग की और साइंस के लिए और फायर साइन के लिए, उनकी एनर्जीज नहीं इतनी हैवी थी जितनी आपकी है। ओके, मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन है, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिसके चलते आप काफ़ी वरीड हो, काफ़ी फियर में हो, डिसेप्शन विजडम है। तो आपको लग रहा है दैट आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो सामने से अच्छे हैं, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको देखना है कि कौन है ये पर्सन, एंड वो पर्सन हो सकता है आपसे जेलसी, जलन की भावना है या बदला लेने की भावना है, एंड हो सकता है इस पर्सन के चलते आप काफ़ी वरीड हो, क्योंकि जो लोग हमारे लाइफ में होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे हैं, होते हैं, देन हमारी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बट अगर उसी में से कोई एक ऐसा पर्सन हो या बहुत सारे लोग हो जो अच्छा नहीं चाहते हमारा, देन हमारे दिमाग में वो लोग चलते रहते हैं। सो ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो राइट नाउ, जो आपके वर्क प्लेस पे आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे आपको काफ़ी अच्छा फील नहीं होता है। मे बी वो आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, इस साल आप उन लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हो, ठीक है। लाइक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो एंड कुछ ना कुछ ऐसा करोगे आप जिससे आप इस तरह की एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इंडिपेंडेंस है, तो हो सकता है अगर आप किसी के साथ किसी तरह की डील में हो और वो पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव नेचर है, चीट करना जानते हैं और आपको डर है, ठीक है, उसके साथ रह के आपकी इंट्यूशन बोलती है लाइक इनके साथ होना सही नहीं, ठीक है, देन क्योंकि वो आपसे जलन की भावना रखते हैं या बदले की भावना रखते हैं, देन डेफिनेटली उस पर्सन से आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे, ठीक है। दैट आई कैन सी हियर, यहाँ पे है सिंक्रोनिस्टिक इवेंट, मैजिक कोइंसिडेंस। ये अगेन मुझे बता रहा है जैसे आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इवन दो डिफिकल्ट सिचुएशंस है आपके लिए, ठीक है, बट आपको अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है और आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे, वो आपको देख रहे हैं, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगर आप मैरिड हो आपकी मैरिज कैसी रहने वाली है, ठीक है, पर रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे एंड जो लोग सिंगल उनके लिए भी देखेंगे। लेट्स सी जो हमारे मैरिड व्यूअर्स हैं आपकी मैरिज कैसी रहने वाली है। Page of Cups, Wheel of Fortune, Ace of Wands, wow. So, आपकी मैरिज अच्छी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे Page of Cups का कार्ड है, Wheel of Fortune का कार्ड है, Ace of Wands का कार्ड है। जो भी चैलेंजेस है
ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ना कि आपके मैरिज के लिए एक गोल्डन टाइम, एक अच्छा टाइम इस साल होगा, ठीक है। जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जा रहे हो, बहुत अच्छा टाइम बिताना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, ठीक है, इन्जॉय करना, वो चीज़ें यहाँ दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी मैरिज में अगर चैलेंजेस चल भी रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस साल आप अपने लिए ऐसा समझ सकते हो दैट आपकी मैरिज में बहुत बहुत अच्छा टाइम आप देखोगे। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज ही और शी इज़ योर लाइफ पार्टनर। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको काफ़ी अच्छा फील कराएंगे, बहुत स्पेशल फील कराएंगे, आपके ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी, आपकी रिलेशनशिप और मजबूत होगी, एंड आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे इन्जॉयमेंट दिख रहा है, फन दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट कर सकता है, आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, बोथ ऑफ यू विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो इन केस आपके फैमिली की वजह से या किसी और की वजह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, देन डेफिनेटली सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लकी टाइम दिखा रहा है, आपके मैरिज के लिए काफ़ी लकी होने वाला है ये साल, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। लेट्स सी जो हमारे व्यूअर्स रिलेशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी इस साल। द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, वो द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। यस, यहाँ पे डेविल का कार्ड है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, ठीक है, जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है या ब्लॉक कर रखा है, आप अकेले हो, तकलीफ में हो, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, यहाँ पे डेविल का कार्ड, तो हो सकता है कोई नेगेटिव पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने आपको, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, क्लैरिटी आ रही है, और एक टॉक्सिक चैप्टर को आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, एक पेनफुल सिचुएशन को आप ख़त्म कर रहे हो विद द कार्ड ऑफ द डेविल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड फाइनली आपके रिलेशनशिप में एक क्लोजर आपको मिलता हुआ दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए हो सकता है आपका और आपके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट हो रही है, ठीक है, सिंस हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली एंड यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, 90% लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, देन डेफिनेटली हो सकता है आप लोग शादी की बात कर रहे हो, इंगेजमेंट या कमिटमेंट देना है एक दूसरे को, एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड है। सो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप मैरिज को पहुँच रही है या फाइनल कमिटमेंट हो रही है, ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बट बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है, क्योंकि आपके रीडिंग में डिसेप्शन, एनवी, एंगर, रिटेलिएशन, ये सभी चीज़ें भी आई है, फियर भी आया है। तो अगर आपको ये देखना है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, फियर का कार्ड है, जहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आ चुकी है आपके रिलेशनशिप में विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, एंड वी हैव दिस कार्ड इंडिपेंडेंस एंड हेल्दी बाउंड्री, आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करोगे, ठीक है। बट ये जो एनर्जी आई है बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं, एम्परर एंड द एम्प्रेस, जो यहाँ पर दिखा रहा है दैट बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, आपकी शादी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, कमिटमेंट हो सकती है। बट हाँ, जो लोगों की ये एनर्जीज है, जैसे आप रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो गए हो, ठीक है, एक नेगेटिविटी आ चुकी है, तकलीफ़ है, आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में चेंज हो, देन डेफिनेटली विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, यू विल सेट अ हेल्दी बाउंड्री एंड
यहाँ पर आप एक नई जर्नी पे जा सकते हो विद द टू ऑफ कप्स कार्ड. मे बी आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो या आपके घर पे कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है जो आपके सोलमेट हो सकते हैं. बट यस, यहाँ पर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे इस साल पे. ठीक है, इधर आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके नए पर्सन से मिल रहे हो, या तो फिर आप लोगों के लिए अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो देन डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज एंड कमिटमेंट होती हुई दिख रही है. ओके, एंड जो हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है. अगर आप सिंगल हो देन कैसी रहने वाली आपकी लव लाइफ. यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है. पेज ऑफ वैंड्स, द स्टार. ओके, यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है. सो हमारे सिंगल व्यूअर्स, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आई कैन सी दैट इस साल आप सिंगल नहीं रहने वाले. ओके, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है. ओके, यहाँ पे स्टार का कार्ड है. हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ के लिए. देन डेफिनेटली इस साल आपके लाइफ में कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं. पेज ऑफ पैंट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. तो ये पर्सन हो सकता है किसी वाटर बॉडी के पास रहते हो. ओके, एंड ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ सकते हैं. यू कैन मीट दिस पर्सन, आप इस पर्सन से मिल सकते हो. पेज ऑफ पैंट्स का भी कार्ड है. देन डेफिनेटली आई कैन सी कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, मे बी ऑनलाइन मिल सकते हो. ठीक है, इस साल आपकी रिलेशनशिप बनने के चांसेस है. आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द कार्ड ऑफ स्टार, आपकी विश फुलफिल होगी. इस साल आप किसी पर्सन से मिलोगे जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बन रही है. एंड नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ पैंट्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपके सिटी स्टेट में नहीं होंगे, ये कहीं और से आ रहे हैं. ठीक है, किसी डेजर्ट एरिया में रहते हो फॉर सम ऑफ यू, एंड आप इसे समर सीजन में मिल सकते हो. और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. हो सकता है ये पर्सन ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पर वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, लाइक मुद्र हो सकती है. एंड दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो भी चीज़ें दिखती है. ठीक है, या ऑनलाइन आप इस पर्सन से मिल सकते हो. बट डेफिनेटली फॉर सिंगल व्यूअर्स आई कैन सी इस साल आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और ये पर्सन आपके सिटी स्टेट से नहीं होंगे, दूर हो सकते हैं. एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी बिकॉज नाइट एंड पेज है. तो 2-3 साल या 4 साल का एज डिफरेंस होगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है इस साल. दो कार्ड्स गिर चुके हैं, डिसेप्शन एंड एनवी एंड मूविंग ऑन. डिसेप्शन एंड एनवी, मे बी आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपकी एनवियस है, जो मास्क्ड है. यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है, तो आप लोग उस पर्सन से दूर जाने वाले हो. ठीक है, आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे, उनसे दूरियाँ बनाने वाले हो इस साल. ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज और ये कन्फर्मेशन है आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 दैट आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो मास्क्ड है. ठीक है, और ये एनर्जीज पता नहीं कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुई है. आप उनसे दूरियाँ बनाओगे अपने लिए, अपने भलाई के लिए. ठीक है, विद द कार्ड ऑफ कैट, हेल्दी बाउंड्री आप सेट करने वाले हो, मूविंग ऑन है. सो इनके साथ अगर आपकी किसी तरह की डील है, कोई रिलेशनशिप है, उससे आप दूरियाँ बनाने वाले हो, बाहर निकल रहे हो उस चीज़ से आप. चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस है, कैसा होगा इस साल. टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स. आपका ध्यान पूरा का पूरा आपके चैलेंजेस के ऊपर में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में है. आपको कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान हटाए और चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्टली लाइटली ले. ठीक है, अदरवाइज जितना आप टेंशन लोगे ना, जितना सोचोगे कि सिचुएशंस खराब हो जाएगी, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी. क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती है. सो यहाँ पे आपके लिए क्या आया है, डी क्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल यू नो लॉन्गर वांट. ओके, समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्फ दैट यू मे विश टू अवॉइड. ओके, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है इस साल दैट उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से आप बाहर निकालें, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हैबिट है जो आपके लिए सर्व नहीं करती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है. तो आपको ये देखना है. ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी पर्सन का न्यू साइड, न्यू फेस आपको रिवील हो सकता है एंड आप उस पर्सन से दूरियाँ बनाओगे. ठीक है, अब ये कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, वो आपको देखना है. डीक्लटर, अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को हटाना जो आपके लिए सही नहीं है. ट्रैवल है, तो यहाँ पर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कोई जर्नी हो सकती है. करियर में एडवांसमेंट भी दिख रही है. मैनिफेस्टेशन, अ
bountiful time awaits you. Your wishes could manifest right before your eyes. मैंने तो अभी कहा ना, लाइक आप जिस थॉट को बार बार सोच रहे हो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो आपके लिए ये सजेशन है, आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें. ठीक है, अपने लिए अफर्मेशन लिख सकते हो, आपके विशेस को लिख सकते हो, उसको सुबह उठने के टाइम पे पढ़ सकते हो, रात को सोते समय पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड डेफिनेटली वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और बहुत जल्द जितना आप भरोसा रखोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे. मैनिफेस्टेशन आपको करना है. ठीक है, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, एंड जो भी चैलेंजेस है वो खत्म हो जाएंगे. नो डाउट हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. ओके, नई दोस्ती आपकी हो सकती है. मेनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द होराइजन, यहाँ पे मैसेज है. सो आपकी दोस्ती हो सकती है नई. तीनों पाइल के लिए यू विल सेव मनी, मूव ऑन एंड न्यू रिलेशनशिप आपके लिए. मूव ऑन एंड न्यू रिलेशनशिप आपके लिए, न्यू रिलेशनशिप आने वाली है. आप मूव ऑन करने वाले हो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से. सो ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर 3. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं जरूर. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 4 एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग आपकी है और हम देखेंगे साल 2023 आपके लाइफ के लिए कैसा होगा. आपके करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज एंड आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं. लेट्स सी 2023 आपके लिए कैसा होने वाला है. एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, प्लीज फिगर एंजल्स हेल्प मी. एंजल बैरियर, एंजल ओवरसी योर लाइफ एंड प्रोटेक्ट यू. परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए. बॉटम में है लर्निंग न्यू स्किल, माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ. ओके, तो लर्निंग न्यू स्किल है तो आप में से कुछ लोग पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं. एजुकेशन ऑल्सो कुछ नया सीख सकते हो आप. ठीक है, न्यू स्किल को सीखना यहाँ पे दिखाया जा रहा है. अब ये न्यू स्किल आपके लिए कुछ भी हो सकती है. ठीक है, जैसे आप कुछ सीखना चाहते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, आप कुछ खेलना सीखना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इनरोल करना चाहते हो. ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर पाओगे. कोई आर्टिस्टिक चीज़ें है वो सीखना, या कुछ भी चीज़ सीखना आप चाहते हो, देन डेफिनेटली इस साल आप कोई नई स्किल को सीखने वाले हो. एयर साइंस लर्निंग न्यू स्किल्स का मैसेज है, एंड ये स्किल सीखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. दैट उससे क्या होगा, दैट आप किसी और की लाइफ को चेंज कर सकते हो या इस दुनिया को चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब ये किसी भी तरह का स्किल है जो आप सीखना चाहते हो, इस साल आप सीख पाओगे. आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंजल्स ओवर सी एंड प्रोटेक्ट यू. एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू. अगर आप किसी चीज़ से वरीड हो, किसी टेंशन, कोई टेंशन है या आपके मन में ऐसे ही फियर रहता है, ठीक है, टेंशन रहता है कि आपकी फैमिली का क्या होगा, आपका क्या होगा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, आर्कएंजल माइकल आपको अश्योर कर रहे हैं दैट वो आपको प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इस साल आप काफ़ी इस मामले में आपको डर नहीं रहेगा. ठीक है, बिकॉज एंजल्स आपको ये कॉन्फिडेंस देते रहेंगे दैट वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला. ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है. डिवाइन टाइमिंग ऑर्डेंड बाय द एंजल्स इज नेवर टू लेट और टू अर्ली. इस साल ना आप एक रिलैक्सेशन के मूड में रहोगे. ठीक है, भरोसे वाली एनर्जी में रहना, ये हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा. और ये आपको आके कोई बोल नहीं रहा, आपके भीतर से ये चीज़ें होंगी, क्योंकि एंजल्स जो है ना वो एनर्जीज आपको सेंड कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. एंड कुछ अगर आपके लाइफ में चैलेंज है भी, उसमें भी आपको लगेगा दैट एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाइक एंजल्स ओवरसी योर लाइफ. एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं, और अगर आप कुछ चीज़ें डिले हो रही है ना, फिर भी आपको भरोसा रहेगा कि ये परफेक्ट टाइमिंग में आपको मिल जाएंगी. ओके, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको इस साल कुछ कोई ना कोई परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आने वाला है. ठीक है, तो आपने किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से वेट किया है, परफेक्ट टाइमिंग इस साल है. ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इस साल आपको मिल सकता है. ओके, लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे बेल भी रिंग हुआ है, सो डेफिनेटली इस साल आपका कोई ना कोई परफेक्ट टाइमिंग है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आपको रिसीव होगा. यहाँ पे नॉलेज एंड हीलिंग है. वाओ, यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल है.
इस साल आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेनिंग में जाने वाला है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान जो है ना आपके पास आएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुक पढ़ के ही वो ज्ञान ले रहे हो, बट हाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी नॉलेज। हो सकता है आप एक हीलर बनने वाले हो, लाइक हो सकता है आप रेकी सीख रहे हो, या हो सकता है और किसी तरह से हीलिंग करना सीख रहे हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हो, या किसी न किसी तरह से किसी पर्सन की हीलिंग में हेल्प करना चाहते हो। तो यहाँ पे नॉलेज एंड हीलिंग है, तो हो सकता है आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, किसी की हीलिंग में हेल्प करना, लर्निंग न्यू स्किल एंड नॉलेज। तो इस साल आपकी तरफ नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आपकी तरफ आ रहा है, ओके, फोकस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, यू विल बी फोकस्ड, आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस साल। न्यू कॉलेज अटेंड भी आप कर सकते हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, कुछ लोग इनरोल कर सकते हैं। फिर से आपकी मैरिज कैसी रहने वाली है इस साल, इफ़ यू आर मैरिड देन देखते हैं मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आफ्टर दैट रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे, सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। जो लोग हमारे मैरिड व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप मे बी बैंक में काम करते हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, और काफ़ी क्यूरियस रहते हो, ओके, यहाँ पर दिख रहा है मे बी आपकी पार्टनर या आपकी एनर्जी, दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है। जैसे आप अपने पार्टनर के साथ, आपकी शादी तो हो गई है, बट हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है पैसों को लेके भी शेयर नहीं करते आपसे, ठीक है, कि उनको कुछ ज़रूरत है या उनकी सेविंग है या कुछ ऐसी बातें रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड मनी हो सकती है, या तो आप नहीं शेयर करते हो या तो वो शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रिलेशनशिप है, मैरिज है, बट आप लोग एक दूसरे से ओपन अप नहीं हो पाते हो, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है ना, जैसे आप या आपके जो पर्सन है, वो एक दूसरे के बारे में आप लोग ये सोचते रहते हो, सिर्फ एक दूसरे के बारे में गेस करते रहते हो कि अच्छा ये इस टाइम पे ये सोच रहा है, अच्छा इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा मैंने बोला था, तो आप सिर्फ और सिर्फ गेस करते रहते हो, बातें क्लियरली यहाँ पे नहीं होती आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, जिसके चलते हो सकता है आपके मैरिज में क्लैरिटी नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है। इस साल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप लोगों के लिए आप लोग ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे एक क्लाउड्स है और यहाँ पे सोर्ड है इस पेज के हाथ में, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में जो क्लैरिटी नहीं रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं करते हो या अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं जाहिर करते हो, वो इस साल आप करोगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो खुल के, एंड इस वजह से आपके पार्टनर भी एक्सप्रेस करेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना, मतलब बहुत गहरी हो रही है इस वजह से, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातें हो रही है, ठीक है, बातें हो रही है, एंड एस ऑफ कप्स है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, और वाइस वर्सा आपके पार्टनर को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, कन्फ्यूजन क्लियर होती हुई दिख रही है, और आपके पार्टनर की ज़रूरतों को समझ रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग ग्रो हो रही है। यहाँ पे इमोशनल, जो इमोशंस के एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, दैट आई कैन सी हियर। जो हमारे व्यूअर्स रिलेशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, लेट्स सी। पहला कार्ड ही फोर ऑफ पेंट्स का आ गया आपके लिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप नाराज़ हैं अपने फैमिली से या आपके पर्सन्स की फैमिली से जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, कि उनके साथ आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है, मैरिज को लेकर अगर कोई चैलेंज है, देन डेफिनेटली यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ फोर ऑफ फ्रेंड्स आपकी शादी इस साल हो रही है, ठीक है। और अगर फैमिली नहीं मान रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फ्रेंड नहीं मान रहा है, कोई चैलेंज है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनीथिंग लाइक दैट, थर्ड पार्टी यहाँ काम भी हो सकता है कि आपकी जॉब नहीं है इस वजह से शादी नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ, या इस पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। इस साल आप लोगों की शादी की बात तय होगी, ठीक है, शादी हो जाएगी कुछ लोगों के लिए, वो भी दिख रहा है। फैमिली आपकी सपोर्ट करेगी, आपके फ्रेंड आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपकी रिलेशनशिप में काम को लेकर प्रॉब्लम होती है कि आपकी फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, इस पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं,
ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके डिवोर्स या सेपरेशन चल रही है, देन डेफिनेटली उनकी वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। व्यूअर्स सिंगल है उनके लिए कैसा रहेगा 2023? द टावर, क्वीन ऑफ पेंटेगल्स, टेम्परेंस, आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंट्स है। सो ऑप्शन नंबर 4 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक सडन मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन के साथ। द टावर का कार्ड है और ये सडन मीटिंग उतनी प्लीजेंट नहीं होगी, उतनी खुशी आपको नहीं देगी। जैसे हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो जाए, या हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हो सकता है आपका कोई बिजनेस या किसी ऐसे सिलसिले में मिल रहे हो जहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ कोई फाइट या कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आफ्टर सम टाइम इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो रिलेशनशिप के लिए या लव के लिए, या आपके साथ क्रश है, ठीक है, तो उसके साथ आपकी इनिशियली चीज़ें खराब होंगी, कुछ डिफिकल्टीज आप देख सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम 3 महीने 4 महीने या 6 महीने बीतने के बाद आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो, इस साल आप किसी पर्सन से मिल रहे हो जिनके साथ आपकी कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, अगर आप आपका कोई क्रश है और आप उनको अपनी फीलिंग्स बताते हो तो हो सकता है इनिशियली वो आपको रिजेक्ट कर दे, बट आफ्टर दैट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो वो पर्सन आपके बारे में कंसिडर करने वाले हैं, चीज़ों को आपके बारे में सोचने वाले हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड आप उसी पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हो जिनके साथ इनिशियली आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हैं, हो सकता है विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आपके बिजनेस पार्टनर, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आप दोनों सेम प्रोफेशन से हो सकते हो, एंड फॉर सम ऑफ यू आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए यह दिखता है, लेट्स सी और क्या पता चलता है इस साल आपके लिए क्या इवेंट्स होने वाले हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप किसी स्कॉर्पियो से मिल सकते हो, सैजिटेरियस से मिल सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से मिल सकते हो इस साल। सिंगल व्यूअर्स आपके लिए ये चीज़ें दिख रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे होप है, ओके। यहाँ पे सैक्रिफाइस है और यहाँ पे आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस साल कुछ चीज़ें ऐसे रहेंगी आपके लिए जो थोड़ी सी आपको इनिशियली स्ट्रगल आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो और थोड़ा सा आपको लगेगा कि गिव अप कर दे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आपको लगेगा गिव अप कर दे, बट आप गिव अप नहीं करोगे बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर एंजल्स। एंड यहाँ पे होप का कार्ड है तो फाइनली ना फाइनल टाइम पे सही टाइम पे सही एक्शन लोगे जिसके चलते आपकी सिचुएशन सही हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए इस साल अगर कोई चैलेंज आता भी है, थोड़े सैड होते भी हो आप, थोड़े डिप्रेस होते भी हो आप, फिर भी आप अपने सिचुएशन में गिव अप नहीं करोगे। इवन तो आपको मन करेगा कि गिव अप कर देते हैं, हमसे ये संभाला नहीं जा रहा है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी, बट आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपने मन की सुनोगे, आपकी इंट्यूशन की सुनोगे एंड आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। फाइनली आपको जो फाइनल आउटकम मिलेगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी है तो हो सकता है कुछ नई बिगनिंग आप देख सकते हो, कोई नई बिगनिंग देख सकते हो, कोई नई शुरुआत देख सकते हो किसी चीज़ में। आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है इस साल। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। हो सकता है आप एक अच्छे काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, हीलर हो, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजर हो, आपके फ्रेंड की आप हेल्प करने वाले हो और उसके वजह से ना यहाँ पे स्किल्स है तो हो सकता है आपके अंदर काउंसलिंग स्किल्स है, आप अपने फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हो जिसके चलते उनका लाइफ काफ़ी सुंदर होने वाला है, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न, आपके कुछ प्लान्स जो है ना वो चेंज होंगे और कोई बनाए हुए प्लान को खत्म करके कुछ नए सिरे से आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ सकता है। यू बिगनिंग्स का भी कार्ड है, ठीक है, तो कुछ नया फिर से शुरुआत करना भी दिख रहा है आपके लिए। यू मे ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ा सोशल इवेंट आप अटेंड कर सकते हो जो ओवरसीज में है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री स्टेट में जाना भी हो सकता है। यहाँ पे विजडम है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज विजडम आ रही है,
टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन. ओके, तो आपको कोई या तो आप किसी को बहुत अच्छा एडवाइस देने वाले हो जिसके चलते किसी की लाइफ अच्छी हो रही है. ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है आप के अंदर काफ़ी समझ आ रही है, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई ओल्डर पर्सन एडवाइस कर सकता है आपके लाइफ में कोई सिचुएशन है उससे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है. चलिए देखते हैं चिट्स से क्या बताया जा रहा है आपके लिए. सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी इस साल, ठीक है ना. रिकॉन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपका. यू विल सेव मनी, चारों पाइल्स जो है ना उनके लिए आया, पैसे बचाने वाले इस साल. लिविंग पास्ट बिहाइंड ब्रोकन रिंग, तो पास्ट की कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको आप खत्म करने वाले हो. करेज, आपके अंदर हिम्मत आ रही है. ओके, यस, आपको एंजल्स गाइड करने वाले आपके रास्ते कैसे होने वाले. हीलिंग, हो सकता है आप किसी को हील करने वाले हो, आप हीलर हो सकते हो. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको कोई जॉब लग सकती है, कुछ नया आप काम शुरू कर सकते हो. फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे इस साल. फैमिली में कोई इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएंगे. इंक्रीज योर एफर्ट्स, अपनी मेहनत को आप और बढ़ाएं. एंजल्स आपको कह रहे हैं कुछ फोर्सेज है जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रही है उसका आप ध्यान रखिए, ठीक है. अब ये फोर्सेज कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है. बट देयर इज समथिंग जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रही है. एग्जाम्स क्लियर, वाओ, आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है. अरेंज मैरिज आपकी हो सकती है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा. लोन्स ग्रांटेड, लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, आपके लोन्स ग्रांट हो जाएंगे. लव, आपके लिए लव आ रहा है, न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. सो ये थी रीडिंग आपकी. आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.